पालमपुर में छात्रा पर युवक द्वारा दराट से हमले में घायल लड़की के परिजनों से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सुखविंदर सिंह सुखू ने कहा कि इस कृत्य की वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और लड़की के उपचार पर जो भी खर्चा आएगा सरकार वो पूरा का पूरा खर्चा उठाएगी और भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो इसके लिए सरकार सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते, जिसने भी ये काम किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं सुलह विधानसभा में कुछ दिन पहले एक महिला की हत्या के मामले में सीएम ने कहा कि पुलिस के द्वारा इसकी जांच की जा रही है और इसके जो भी आरोपी होंगे उनको सजा दिलवाई जाएगी। पीजीआई का खर्चा वो सरकार उठाएगी और भी बेटी को उसका जिस प्रकार की उसको चोट लगी है और इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में मत हो और उस पर रोक लगाने के लिए काम करेंगे। हम इसका कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाहते क्योंकि जिसके चोट लगी है वो उस बेचारी पर बीतती होगी, उसके परिवार पर बीतती होगी। हम इसका कोई राजनीतिकरण के कारण मैं इनकी नहीं मदद कर रहा, मेरी बेटी की तरह है, मैं उसकी मदद करूंगा पूरी तरह से और अभी सर्जरी के लिए मैं बोलूंगा, उसकी प्रोटेक्शन भी करेंगे और जिसने घिनौना कार्य किया उसके खिलाफ हम सारी सरकार सख्त कर देंगे।